सब्सक्राइब कीजिए काबूम टेक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जैसे कि इस तरह की जो डल इमेज होती है, जो हम लोग 3D Max से रेंडर इमेज लेके आते हैं, इस तरह से डल होता है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे हम लोग ब्राइट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको किया हूँ, यहाँ पर ये देख सकते हो, कैसे हम लोग इस तरह का इफेक्ट लेके आ सकते हैं, ऐसे जो लाइट का इफेक्ट होता है ये कैसे लेके आ सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, इस तरह से इसको पोस्ट प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं और काफ़ी इजी तरीका क्या है पोस्ट प्रोडक्शन करने का, तो इस वीडियो बताने वाला हूँ। अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। ओके, यहाँ पर ये देख सकते हो काफ़ी ये डल इमेज है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मैंने डायरेक्टली ओपन किया, इधर बैकग्राउंड में इधर पे लॉक आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, इसको हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, ब्राइट करना होगा। ब्राइट करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा इधर नीचे की तरफ, देख सकते हो गोला सा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो यहाँ पर ये गोला सा ये जो भाग है, ये वाला ये बटन, इसको आपको दबाना है यहाँ पर क्लिक करके। इधर पर आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट लेवल, एक्सपोजर एंड ये सब, सेचुरेशन, ब्लैक एंड वाइट चीज़ें करने के लिए, कलर करेक्शन के लिए ये मिलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर से मैं ज़्यादा अभी क्या लेता हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ ब्राइटनेस, ठीक है, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, तो उसको क्लिक करता हूँ। उससे क्या हम लोग सबसे पहले सीन को ब्राइट करेंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर देखो ज़ीरो है ये, तो यहाँ पर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ ब्राइटनेस को। यहाँ पर देखो ब्राइटनेस उतना बढ़ गया, अब ये ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अपने हिसाब से कॉन्ट्रास्ट भी जो ठीक लगे अपने सीन के लिए कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लीजिए, ठीक है। और आगे चलते हैं, अभी एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पर क्लिक करके फिर से यहाँ से ले लेते हैं हम लोग कर्व, ठीक है, तो कर्व को क्लिक करता हूँ। फिर इसके अंदर इधर पे जितना पॉइंट हम लोग बनाएंगे, जैसे मैंने ऐसे एक पॉइंट बना लिया, ऐसे एक पॉइंट बना लिया, जितना पॉइंट बनाना चाहे उतना पॉइंट हम लोग बना सकते हैं, मगर ज़्यादा पॉइंट की जरूरत नहीं है इसके अंदर, तो अंडू कर लेता हूँ मैं। फिर यहाँ पर ऐसे क्लिक करते हैं, क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो ये ऐसे डार्क हो जाता है, ऊपर की तरफ ड्रैग करना है ब्राइट हो जाएगा। तो नीचे की तरफ हल्का सा ड्रैग करिए और इसको हल्का सा ऊपर की तरफ ड्रैग करिए, इससे क्या है थोड़ा सा जो लाइट ब्राइट हो जाता है। अभी यहाँ पर आपको चेंज करके दिखा दूँ, ये देखो जैसे लाइट और भी ज़्यादा, एक अलग अलग पार्ट एकदम अलग से ही चमकने लग गया है, जैसे लाइट ज़्यादा चमकने लग गई अभी, जैसे लाइट अभी क्या ब्राइटनेस करने से, वो चीज़ ब्राइटनेस करने से नहीं, वो ब्राइटनेस क्या होता है सब जगह से वो ब्राइट करने लग जाता है, मगर ये कर्व क्या करता है, जहाँ पर लाइट है उसको ज़्यादा बढ़ाता है, जहाँ पर डार्कनेस है उसको थोड़ा और डार्क करता है, ठीक है। देखिए इससे क्या थोड़ा और डेप्थ आ गया अपने सीन में, और जैसे कि अगर आप थोड़ा बहुत सेचुरेशन में भी अगर कुछ करना हुआ तो यहाँ पर यूज सेचुरेशन कर सकते हो, जैसे अगर आपको कलर सेचुरेशन और ज़्यादा बढ़ाना है, देखिए आपके कलर को और उभारना है तो सेचुरेशन बढ़ा सकते हो, या फिर कलर को और कम करना है, उभारना नहीं है, तो यहाँ पर जितना कम करें उतना कम होते जाएगा, तो आपके ऊपर है, आपको जैसा चाहिए वो आप उतना रख सकते हो, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जितना रखना चाहे उतना रख सकते हैं, ठीक है। अभी अपना तो ये तो इतना हो गया डन, अभी अपना कुछ हद तक इस इमेज के बराबर ये देखिए आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी थोड़ा सा इसके अंदर एक प्रॉब्लम यहाँ पर आई है, इधर पे प्रॉब आ गया है, तो उसको मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टैम्प लेता हूँ, स्टैम्प टूल से अल्ट प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ और अपना ब्रश का साइज बढ़ा के उसको क्लोन करके क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है, क्लीन हो गया। फिर अभी इधर बोलोगे इधर पे जो लाइट इफेक्ट है, जो इसके अंदर इमेज में हम लोग देखे थे, इसमें जो लाइट इफेक्ट आ रहा है वो इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसके अंदर ही मुझे लाइट इफेक्ट लेके आने का, तो लाइट इफेक्ट कैसे लेके आएंगे, तो लाइट इफेक्ट लेके आने के लिए हम लोग के पास क्या है ऑप्शन, हम लोग के पास ऑप्शन है कि हम लोग सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट करने के लिए हम लोग के पास है इधर पे मैजिक विजार्ड है, तो इधर पे क्लिक करते ही हम लोग को मिलता है मैजिक वर्ड्स टूल, ठीक है, मैजिक वर्ड्स टूल आ गया है डन, तो उसको क्लिक करते हैं, तो ये सेलेक्ट कर लिया, तो इसके ज़रिए क्या है हम लोग फटाफट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे क्लिक किया ये सेलेक्ट हो गया, अभी दूसरा क्लिक करने जाएगा तो क्या होगा कि वो सिलेक्शन उड़ जाएगा, तो इधर पे हम लोग इसको क्लिक करते हैं, ये जो इधर पे मल्टीपल सिलेक्शन लेना है तो इसको क्लिक करते हैं, तो थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो ऊपर की तरफ होता है, यहाँ पर ये टूल को मैंने यहाँ पर लिया, उसके ऊपर की तरफ यहाँ पर जाके ये इधर पे आपको क्लिक करना है,
इसको क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो साथ में सिलेक्ट होगा। यहाँ पर क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये मल्टीपल सिलेक्शन इसमें मिल गया, यानी कि ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट, सबके सब साथ में सिलेक्ट हो गए। अब क्या करना है हम लोग को, अब यहाँ पर जाना है हम लोग को, लेयर में जाके न्यू में जाना है, लेयर वाया कॉपी। कॉपी करें तो क्या होगा कि ये जो भी हमने सेलेक्ट किया उसका कॉपी बन के अलग से लेयर में आ जाएगा। तो कॉपी लेते हैं, तो अभी क्या होगा, ये देखिए ऊपर एक अलग से इसकी देखो अलग से कॉपी आ गई, यहाँ इसका बंद करते ये गायब हो गया, ये दिख रहा है। ठीक है, फोटोशॉप की और भी लेसन अगर आपको देखना है तो मैं इधर पे इस वीडियो के ऊपर आई बटन में आपको और भी लेसन इधर पे दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर आपको बेसिक के लेसन मिल जाएगा, यानी कि लेयर को कैसे यूज़ करते हैं, लेयर का यूज़ करने का तरीका क्या है, वो सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी आगे तरफ बढ़ते हैं। अभी ये तो हो गया, ये अभी इसके अंदर हम लोग को इसको ग्लो करना है या चमकाना है, तो क्या करना होगा हम लोग को करना होगा, इसको सेलेक्ट करते हैं और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हैं, इसको सेलेक्ट कर, लेयर को सेलेक्ट किया जिसके अंदर हम लोग का ये अलग से लेयर बन के आया था, इसको हम लोग करते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन में क्लिक करते ही इधर देखो ये लेयर स्टाइल करके एक विंडो ओपन हो जाएगी, तो उसको हम लोग यहाँ पर लेंगे, जैसे इधर पे आता है ऑटो ग्लो, इधर पे नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर पे इसके सिलेक्शन, इसके इफेक्ट वगैरह के भी ऑप्शंस आ जाएंगे, यानी कि इसके सेटिंग्स आ जाएंगी कि हम लोग क्या चेंजेस करना चाहते हैं इसके अंदर भी। और हम लोग को अगर इसका हल्का करना है ओपेसिटी, तो देखो हम लोग का जो इफेक्ट है कम ज़्यादा हो रहा है यहाँ से। ठीक है, अभी बढ़ाना है तो हम लोग बढ़ा भी सकते हैं इसे, अभी कलर काफ़ी वाइट वाइट आ रहा है, अगर हम लोग पूरा इधर पे स्क्रीन हुआ है, स्क्रीन की जगह पे हम लोग को नॉर्मल कर देंगे तो क्या होगा, जैसा है वाइट येलो येलो कलर जो भी लेंगे हम लोग का, अगर मैंने ब्लू ले लिया तो ब्लू कलर का आने लगेगा। ठीक है, तो वैसे जरूरी नहीं है, तो मैं ऐसे रखता हूँ या फिर स्क्रीन रखता हूँ, कोई पंगा नहीं है वैसे। ठीक, अभी इधर पे स्प्रेड है, यानी कि स्प्रेड कर सकते हैं ऐसे इफेक्ट को, इधर पे साइज बढ़ा सकते हैं और भी ज़्यादा, ये देखिए इफेक्ट की साइज बढ़ गई, तो इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही आ रहा है अभी। ठीक है, स्प्रेड करना तो ये देखो ऐसे बॉक्सिंग बनने लगेगा, इसलिए स्प्रेड को कम ही रखते हैं। फिर अगर हल्का फुल्का साइज बढ़ाना तो साइज बढ़ा सकते हो, वरना ये भी चलेगा। ठीक है, और बाकी तो ये अलग अलग डिज़ाइन के इफेक्ट, ये अलग अलग डिज़ाइन के इफेक्ट कहीं कहीं यूज़ होते हैं। ठीक है, बाकी तो इसको नॉर्मली करते हैं, बाकी तो हम लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जैसा हम लोग को डिज़ाइन चाहिए वही चीज़ है। और इधर पे हम लोग चाहे तो अगर ग्रेडियंट टाइप का हम लोग को कलर चाहिए था लाइट के अंदर, तो ग्रेडियंट टाइप का कलर आ जाएगा, ये देखिए ग्रेडियंट टाइप का कलर आने लग गया। वैसे तो नहीं, जरूरी नहीं है, हम लोग को एक ही कलर चाहिए सिंगल कलर, तो हम लोग सिंगल थोड़ा सा ऐसे नॉइजी चाहिए तो नॉइजी ले सकते हैं। अब ये देखो सिर्फ आउटर में इधर पे हो रहा है इफेक्ट, अंदर की तरफ इफेक्ट नहीं है, अंदर की तरफ इफेक्ट करने के लिए इनर ग्लो है, इसको क्लिक करते हैं ये भी ऑन हो जाएगा, देखो अंदर की तरफ भी इफेक्ट आने लग गया। उसको भी हम लोग चाहे तो हल्का कर सकते हैं या फिर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कलर चाहे तो थोड़ा सा और भी, हम लोग को ऑरेंजेस चाहिए था तो और भी ऑरेंजेस ले सकते हैं, तो और भी ऑरेंजेस कलर मिल गया यहाँ पर। आउटर ग्लो के लिए भी और भी ऑरेंजेस कलर चाहिए तो और भी ऑरेंजेस कलर यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, देखो ठीक है, इस तरह से आप इफेक्ट दे सकते हो अपने नॉर्मल जो काफ़ी डल इमेज को, काफ़ी आप उसको ब्राइट कर सकते हो, काफ़ी इजी तरीका है, यानी कि कुछ ज़्यादा सिलेक्शन भी नहीं करना है, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, काफ़ी इजी तरीके से आप इस तरह से देखो इस तरह की डल इमेज को आप ऐसा बना सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि हम लोग फोटोशॉप से कैसे हम लोग डल इमेज को कैसे ब्राइट कर सकते हैं, कैसे पोस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे उसको डल इमेज से थोड़ा सा चमका सकते हैं, जो रियल लुक दे सकते हैं। ठीक है,
इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।